तेलंगाना असेंबली लाइव द्वारा चुदाम परसेंटेज पे नहीं होता बात लोन कैसे रहते जो प्रोजेक्ट पे लाके लोन खर्च होता है उसी रियासत को अब उसको बेयर करना पड़ता है अब एसआरएसपी पे पैसे लाए तो तेलंगाना सरकार बेयर करेगा नागार्जुन सागर राइट कैनाल पे लाए तो आंध्र सरकार बेयर करेगा तो हर लोन आज जो भी है ये ओनली पॉपुलेशन परसेंटेज पे नहीं होता इसीलिए मैं आपको कह रहा था दिसंबर तक हमको इंतजार करना ही पड़ेगा इसमें कोई दूसरा चारा भी हमारे पास नहीं है और एज की लिमिट का बोले आप ऑन पार विथ एससी एसटी स्टूडेंट्स रहना चाहिए बिल्कुल इस पर सरकार गौर करेगी 100% पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको देखेगी इनकम सीलिंग भी आपने जो कहा उसके बारे में भी बिल्कुल सोचा जा सकता है और उर्दू के बारे में आपने काफी कह चुके हैं और तेलंगाना जनता रोज अपने जुबान से उर्दू बोलती है इसलिए उर्दू पे हमको नाज है उर्दू पे हमको फख्र भी है कहावत है कि उर्दू पैदा हुई हैदराबाद में उर्दू की परवरिश हुई दिल्ली में उर्दू जवान हुई लखनऊ में ये सारा हिंदुस्तान मानता है लिहाजा हमारा पैदाइश है हमारा जुबान है तो उसको जरूर हर तरह से हर कोशिश जारी करके उर्दू जुबान को बिल्कुल बरकरार रखेंगे इसमें आप कोई चिंता मत कीजिए क्या स्ट्रेटजी करना है जैसा आप कह रहे थे एक मीटिंग बुलाते हैं हम अभी सुधार रहे हैं और आप अभी कह चुके हैं कि जो बैड ऑफिसर्स को वर्कबोर्ड में पोस्ट करते उर्दू अकादमी पोस्ट करते अब चेंज कर लेंगे हम लोग जरूर चेंज करेंगे उसको आपसे मीटिंग के बाद हम लोग उसका फैसला ले सकते हैं और बिल्कुल ले सकते हैं अवकाफी जायदाद जमीन का जो बात आप कर रहे हैं ये तो हर तेलंगाना का शहरी दुखी है इस पे बहुत जमीन लूटा गया हमारा सवों एकड़ हजारों एकड़ जमीन लूटा गया जिस हद तक हो सकता है वापस लेने का पूरा कोशिश कर लेंगे मुकम्मल तौर पर अगर होदेदार हमारे पास आ जाए ऑल इंडिया सर्विस के तो अच्छे लोगों को वहां हम लोग अपॉइंट कर सकते उसके जरिए ये वापस लेने का भी क्या करना चाहिए उसका स्ट्रेटजी भी बन सकता जरूर वापस लेके रहेंगे ये मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं और रुबात के बारे में आपने कहा ये भी बड़ी फख्र की बात है दुनिया में किसी लोगों को किसी कोने के लोगों को जो इज्जत नहीं मिलता हमारा तेलंगाना शहरियों का इज्जत सऊदी में मिलता है वो हमारा हुजूर निजाम का करम है उन्होंने रुबात बनाया इसीलिए दुनिया से कहीं 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 कोने से हर कोने से दुनिया में मक्का में जाते हैं उनको गेस्ट बोलते हैं लेकिन सिर्फ तेलंगाना के शहरी जो भी जाते हैं और रुबात में रहते हैं उनको कहते हैं गेस्ट ऑफ अल्लाह अल्लाह के मेहमान है ये टाइटल सिर्फ हमारे तेलंगाना के वास्ते है तेलंगाना लोगों को है इससे हमको फख्र भी है रुबात के बारे में सऊदी के हुकूमत से बात करने की बात आपने कहा बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए 100% कर सकते हैं वो अच्छी बात है हमारे लोगों का उसमें फायदा ही होगा कोई नुकसान नहीं है सरकार उस पर जरूर करेगी और उर्दू मीडियम स्कूल्स में जो पोस्ट है उसके बारे में आपने कहा उसके बारे में हम लोग बैठ के सोचेंगे जरूर पास मार्क्स का जो जिक्र किया आपने 35 मार्क्स वो बिल्कुल गलत है नहीं बढ़ाना चाहिए जो पहले था उतने ही रखेंगे मैं आपके वायदा करता हूं और लेजिस्लेशन के बारे में आपने कहा उतना जल्दी में नहीं लाना चाहिए कुछ दिनों में लाएंगे और हैदराबाद में जो भी लोग मौजूद है हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो वो चाहे आंध्रा से है रायलसीमा से है गुजरात से है कहीं से भी है हैदराबाद एक ऐसा शहर है हिंदुस्तान का जाना माना सेक्युलर शहर है आपको कई शहरों में नहीं मिलता मिसाल हमारे पास मिलता है हमारे पास गुजरात गली होता है हैदराबाद में किसी दूसरे शहर में नहीं सुना मैं पारसी गुट्टा होता है हमारे पास किसी और शहर में नहीं है सिंधी कॉलोनी होता है कहीं नहीं है ये सिर्फ हैदराबाद का ही कल्चर है दुनिया का जाना माना सेक्युलर शहरों में से हैदराबाद भी गिना जाता है माना जाता है उस रीतो रिवाज को तेलंगाना सरकार बिल्कुल कंटिन्यू करेगी बरकरार रखेगी इसमें कोई फिकर करने की जरूरत नहीं है चारमीनार हॉस्पिटल की बात आपने छेड़ी बिल्कुल सुख के साथ उनको भी पैसा मुहैया करवाया जाएगा इसमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है स्कॉलरशिप ड्यूज के बारे में भी आपने कहा जरूर सबके साथ वो ड्यूज भी रिलीज हो जाएंगे मैं फाइनेंस मिनिस्टर से बात करता हूं सबके साथ जो 500 करोड़ में से कुछ पैसा उधर भी जाना चाहिए उसका इंतजाम हो जाएगा और दूसरा नोटरी डॉक्यूमेंट्स ये बड़ा पेनफुल बात ही है गरीबों के साथ अब आप बोले तो इंतजाम होगा आप बोल सकते हैं लेकिन गुजिश्ता सरकारों ने उनके साथ खिलवाड़ा किया कई लाख लोग जमीन पर रहते हुए भी कोई हक नहीं है उनके पास
कोई फायदा भी नहीं, उसका वैल्यू भी नहीं रहा। इसीलिए बरसों से है, डिकेड से है, तो इसीलिए हमने फैसला लिया है जहां कहां भी गरीब लोग है, सरकारी जमीनों पर भी बसके है, उनको वही का वही पट्टा दिया जाएगा। जल्द से कदम उठाएगी सरकार, और हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ऑलरेडी कह चुके हैं बिल्कुल नोटरी डॉक्यूमेंट में जो लोग है उसको कुछ कमिटी डाल के, कुछ सीनियर ऑफिसर्स को डाल के सीसीएलए के अंडर में उसको बिल्कुल रेगुलराइज करवा देंगे, उनको रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे, और कुछ गरीबों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी उनको माफ कर देंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। बाकी जो चीजें हैं आप जब आएंगे, आप आने की मुतालबा किए हैं, आप जब आएंगे जरूर बैठेंगे, बात करेंगे, मैं इन चीजों के साथ आपका जवाब दे चुका हूं।